दिल्ली हाई कोर्ट में आज शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की ओर से दायर मानहानि मामले की सुनवाई हुई। गुरमीत राम रहीम ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह पर मानहानि का आरोप लगाया है। इस मामले में श्याम मीरा सिंह आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। ऐसे में हाई कोर्ट ने अगले सुनवाई शनिवार यानी 30 दिसंबर को निर्धारित की है। गुरमीत राम रहीम ने करीब 5 दिन पहले यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह पर मानहानि का आरोप लगाकर लीगल नोटिस भेजा था। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में गुरमीत के वकीलों ने दलील दी कि श्याम मीरा ने यूट्यूबर पर वीडियो अपलोड करके आरोप लगाया है कि राम रहीम अपने अनुयायियों को बेवकूफ बनाते हैं। राम रहीम के वकील ने बताया कि कानूनी नोटिस में मांग की गई थी कि उसके क्लाइंट पर बने वीडियो को चैनल से हटाया जाए, लेकिन श्याम मीरा सिंह ने अभी तक इस वीडियो को नहीं हटाया है। इस मामले में आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि साल 2002 में राम रहीम ने आदेश देकर पत्रकार छत्रपति की हत्या करवाई, अपने ही पूर्व सहयोगी की भी हत्या करवाई। सीबीआई ने जांच की, कोर्ट में साबित हुआ, दो रेप साबित हुए, सरकार पैरोल पर छोड़ देती है। मैंने वीडियो बनाई, अब राम रहीम ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुझ पर केस कर दिया। मैंने कहा कि वीडियो नहीं हटाऊंगा, मतलब नहीं हटाऊंगा। वहीं कोर्ट में वकील ने आगे कहा कि श्याम मीरा सिंह का वीडियो मानहानि करने वाला और अपमान करने वाला है। वे एक आदतन अपराधी हैं और उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के सीएम की मानहानि करने के लिए भी यूपी में कई केस दर्ज हैं। साथ ही वकीलों ने ये भी आरोप लगाया कि श्याम मीरा सिंह ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणियां की थी। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट पर 14 करोड़ 90 लाख रुपए मूल्य की कोकीन के साथ एक विदेशी महिला को गुरुवार को गिरफ्तार किया था, जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने 14 दिन तक डीआरआई की कस्टडी में भेज दिया है। डीआरआई से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें केनिया से कोकीन सहित एक महिला के मुंबई आने की गोपनीय जानकारी मिली थी। इसी आधार पर डीआरआई टीम मुंबई एयरपोर्ट पर 28 दिसंबर गुरुवार को निगरानी कर रही थी। नैरोबी से आई एक महिला को शक के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर रोका और उसके सामान की तलाशी लेने पर 1490 ग्राम कोकीन मिली, जिसका बाजार मूल्य 14 करोड़ 90 लाख रुपए है। महिला ने कोकीन एक हेयर कंडीशनर की बोतल और एक बॉडी वॉश बोतल के अंदर काली पन्नी में छिपाया था। कोर्ट ने आरोपी विदेशी महिला को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्तराखंड के भीमतल में नरभक्षी जानवर के हमले से 3 लोगों की जान जाने के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई जानवर इंसान पर जानलेवा हमला करता है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे मारा जा सकता है। यदि घटना घट चुकी है तो उस स्थिति में जानवर को चिन्हित किया जाना जरूरी है, जिससे निर्दोष जानवर ना मारे जाएं। जस्टिस शरद कुमार शर्मा और पंकज पुरोहित की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिंसक जानवर को नरभक्षी घोषित करते हुए उसे मारने के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेश का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने वन अधिकारियों से नरभक्षी को मारने की अनुमति देने के प्रावधान के बारे में जानकारी ली, लेकिन वह इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने कहा कि हिंसक जानवर को मारने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की संतुष्टि होनी जरूरी है, न कि किसी नेता के आंदोलन की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की धारा 11A के तहत 3 परिस्थितियों में किसी जानवर को मार सकते हैं। पहले उसे खदेड़ा जाएगा, फिर ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा और अंत में मारने जैसा अंतिम कठोर कदम उठाया जा सकता है, लेकिन विभाग ने बिना जांच के सीधे मारने के आदेश दे दिए। उन्हें यही पता नहीं कि बाघ है या तेंदुआ, उसकी पहचान भी नहीं हुई। इससे पहले हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को भीमताल में क्षेत्र आदमखोर बाघ और गुलदार द्वारा 3 लोगों को निवाला बनाने पर बिना चिन्हित किए सीधे वन्य जीव को मारने के वन विभाग के आदेश पर रोक लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी विनियम 2018 द्वारा शासित विश्वविद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता सौरभ नारायण का तर्क है कि दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दूसरे विश्वविद्यालय स्थायी शिक्षण कर्मचारियों के पद खाली होने के बावजूद अस्थायी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
याचिका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के खंड 13 को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। यह खंड यह निर्धारित करता है कि शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर केवल तभी नियुक्त किया जाना चाहिए जब अत्यंत आवश्यक हो। याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से दिल्ली हाई कोर्ट को लॉ संकाय का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्थायी नियमित आधार पर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 287 स्वीकृत पदों में से केवल 129 भरे हुए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि यूजीसी विनियम 2018 का उल्लंघन करते हुए अकेले अक्टूबर 2023 में 35% से अधिक शिक्षकों को अनुबंध अस्थायी आधार पर भर्ती किया गया था। कोर्ट से जुड़ी प्रतिदिन की कार्यवाही से अपडेट रहने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम को देखें और वीडियो को शेयर करें।